अल्लाक वेलकम बैक टू माई चैनल बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि मैंने खाली बोतलों में घर से निकले हुए डिब्बों में या इस तरह के जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम फेंक देते हैं घर से जो निकलती हैं बिल्कुल हमारे इस्तेमाल के काबल नहीं होती उनको आप अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ मैं आज आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी और आप भी इसी तरह से गमले अगर नहीं हैं आपके पास तो इनमें प्लांट्स uh, को ग्रो कर सकते हैं और वीडियो शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप गार्डनिंग को बगैर खर्च किए पैसा कैसे कर सकते हैं तो अगर आप भी गार्डनिंग करना चाह रहे हैं आपके पास गमले नहीं हैं या फिर आपके पास जो है वो जगह नहीं है तो आप थोड़ी जगह पे किस तरह से अपने प्लांट्स को मैनेज कर सकते हो तो मैंने कुछ बड़े पॉट्स हैं जिनके अंदर छोटे पॉट्स को रखा हुआ है और इसी तरह मैंने कुछ जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनको कट करके उनमें प्लांट्स लगा रखे हैं या फिर जो ये नर्सरी से मिल जाते हैं आपको ब्लैक कलर के पॉट्स जो कि आप देख रहे हो जब आप नर्सरी से कोई पौधा खरीद के लाते हैं तो मोस्टली आपको इसी में लगा हुआ मिलता है तो आप उनमें भी बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं यहाँ पे बॉटल्स का इस्तेमाल मैंने किया है या फिर घर से निकलने वाले वेस्ट डिब्बों का इसमें देखें नेंथ्रा का प्लांट है फिर स्वीट पैटोवाइन है वो भी किसी जगह पे उग जाती है लालसा का प्लांट है या फिर छोटी छोटी जड़ों वाले जितने भी पौधे हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती उनकी जड़ें थोड़ी मट्टी में भी चलती रहती हैं उनको ज़्यादा खाद नहीं चाहिए तो वो इस तरह से चलते रहते हैं उनमें जेड का प्लांट है उसके अलावा कोलियस आप लगा सकते हैं स्वीट पैटोवाइन की तीनों आप वेरायटी लगा सकते हैं टर्टल वाइन है इसकी भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं तो ये भी जो है ना वो इसकी रूट्स ज़्यादा नहीं होती बहुत कम रूट्स होती हैं इसकी तो आप इसको इस तरह से बॉटल्स काट के उसमें सुराख कर लें फिर उसमें आप अपनी खाद वाली मिट्टी मिक्स करके तो इस तरह से बस एक कटिंग को रख देंगे तो वो बहुत आराम से आपकी लग जाएगी मेरे पास कुछ गमले हैं कुछ इस तरह से प्याले से बने हुए हैं कुछ मिट्टी के गमले हैं बड़े हैं और बाकी सारा जो है वो मैंने घर से जो भी मेरे पास वेस्ट वाला बर्तन या फिर कोई ऐसी चीज़ निकलती है उसमें मैं सुराख करके तो फिर मट्टी भर के पौधे लगा लेती हूँ और अपने शौक़ को भी इंसान इसी तरह पूरा कर लेता है बग़ैर घर वालों को तंग किए तो आप जो है वो इस तरह से जो भी आपके घर ये प्लास्टिक की बॉटल्स निकलती हैं इनको कट कर लें अगर आप चाहें तो आप इनको पेंट कर सकते हैं कुछ अच्छी सी आप इनकी आ, शेप्स भी बना सकते हो अगर आपके पास टाइम है आप करना चाह रहे हैं मैंने इस तरह से जो ये नर्सरी से मिलते हैं पॉट्स इनके अंदर भी काफ़ी सारी कटिंग्स लगा रखी हैं आने वाले सीजन के लिए क्योंकि फिर आज कुछ पौधे जो होते हैं वो विंटर में ख़राब होने लग जाते हैं जब आपने इस तरह से खुले में ऊपर छत पे रखे हों मेरे पास इनको कवर करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है तो देखिए मैंने ये आइसक्रीम बच्चे खाते हैं तो उनके बॉक्सेस जो निकलते हैं उसमें देखिए मैंने लिली के जो बल्ब्स थे वो भी लगा रखे हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है इनमें तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें हैं घर से निकलती हैं उनको बड़े पॉट के अंदर रख दें तो आराम से आप उसमें अपनी गार्डनिंग को कर सकते हैं वो देखने में भी बुरे नहीं लगते क्योंकि जब उनमें इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही होती है तो वो कभी भी एक गार्डनिंग करने वाले को या पौधों का शौक जो रखता है उसको कभी भी वो बुरे नहीं लगते यहाँ मैंने कुछ कटिंग्स अजवाइन की लगा रखी हैं क्योंकि विंटर में ये ख़राब होने लग जाता है तो इसकी बेहतर है आप कुछ कटिंग्स लगा के रख लें तो इन आपके साथ इसकी मैं विंटर केयर पे वीडियो जल्द ही शेयर करूँगी अगर आपने ये मेक्सिकन मिंट का प्लांट ग्रो किया है तो इसको आप कैसे सेव करोगे मैंने यहाँ पे प्लांट्स को थोड़ा धूप में करके ज़रा अरेंज करके रख दिया है ताकि इनको प्रॉपर धूप मिल जाए तो आप भी इसी तरह विंटर में अपने पौधों को थोड़ा सा इस ऐसी जगह कर दें जहाँ पे उनको जो धूप है वो मिलती रहे ताकि आपके पौधे जो हैं वो अपनी जो ग्रोथ है वो अच्छे से कर सकें तो अजवाइन के काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे पास तैयार हैं इनकी मैं थोड़ी प्रूनिंग करूँगी और जो कटिंग्स निकलेंगी उनको आगे के मौसम के लिए दोबारा से लगा के हम सेव कर लेंगे ताकि ये पौधा विंटर में जब बारिशें वगैरह हों तो हमारे पास मरे नहीं इसी तरह ये पर्सलेन का प्लांट है तो जितने भी फूलों वाले पौधे हैं वो बहुत आराम से छोटे छोटे गमलों में छोटे से मुराद चार इंच का गमला आठ इंच का छः इंच का पाँच इंच का तो इसमें ये आराम से चल जाते हैं तो इस तरह आप घर से जो आइसक्रीम के बॉक्सेस निकलते हैं उनमें भी लगा सकते हैं ये मेरे पास काफ़ी सारे थे मैंने कलेक्ट किए थे ये अच्छा खासा काफ़ी टाइम निकाल जाता है और थोड़ा मजबूत भी होता है और ये कम से कम भी दस इंच का होगा तो इसमें तो आप आराम से आ, कोई सब्जी भी लगा सकते हैं पत्तों वाली और कोई आ, बड़ा पौधा भी आप लगा सकते हो इसी तरह ये बॉटल्स हैं तो बॉटल्स भी हर साइज़ में घर में अवेलेबल होती हैं जिनको कि हम फेंक देते हैं तो उनको आप फेंकने की बजाय इस तरह से अगर कट करके डिफरेंट साइज़ में यानी कि अगर आपको चार इंच का रखना है छः का आठ का आप उस तरह से काट के तो इसमें कोई भी पौधा लगा सकते हो जिसमें कि फ्लावरिंग प्लांट भी आ जाते हैं और परमानेंट प्लांट भी आ जाते हैं तो प्लांट नेम इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपके पास ये वाले प्लांट्स नहीं हों जो प्लांट आपके पास हैं आप वो वाले ग्रो कर सकते हो ये भी आइसक्रीम का बॉक्स है और ये कम अज़ कम भी आठ इंच का होगा तो इतना बड़ा सा रहा है इसमें मैंने ये वाइन लगाई हुई है जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी अभी दे रही है ये वाइन जो है इस पर भी मैंने वीडियो शेयर किया था इसी तरह ये भी एक आइसक्रीम का ही बॉक्स है तो ये मैंने कलेक्ट किए हैं तो आप भी इसी तरह करें जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करते रहें उसके बाद फिर आप जैसे जैसे आपको कटिंग्स लगानी हैं या फिर कोई प्लांट ग्रो करना है तो आप उनमें कर सकते हैं ये इस तरह से हमें डिस्पोजेबल ग्लासेस भी काफ़ी सारे घर में आते हैं तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो सीड लगाने के लिए आ, या फिर पनीरी ग्रो करनी है आपको या आपको किसी को प्लांट शिफ्ट करना है कटिंग लगानी है गिफ्ट करने के लिए आप इसमें एक आध कटिंग लगा के रख दें और ऐसे ही इसको आप गिफ्ट कर दें तो उसके लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं यहाँ पर भी आप देखो स्नेक का प्लांट है एलोवेरा लगा सकते हैं आप पेंसिल कैक्टस है या कोई भी पत्तों कलरफुल जो पत् वाले पौधे हैं या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो एक सीजन के लिए होते हैं और वो बहुत अच्छे से चल जाते हैं और सकलेंट्स बहुत अच्छे ग्रो होते हैं क्योंकि सकलेंट्स की रूट्स कम होती हैं तो उनके लिए भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं मैंने काफ़ी सारे क्लांचों के प्लांट इसी तरह तैयार किए हैं उन पे मैं इनशाला फ्लावरिंग आने वाली है तो वीडियो भी आपसे शेयर करूंगी तो ये छोटे छोटे पॉट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी हमारे पैसों को बचाने में हमारी मेहनत बचती है और जब हमें कोई कटिंग लगाना हो और हम ढूंढ रहे होते हैं कि कोई पॉट नहीं मिल रहा तो आप इस तरह से उसमें लगा सकते हैं तो इसी तरह अपने घर से निकलने वाले इन बॉटलों को डिब्बों को अपने गार्डन में इस्तेमाल करें चाहे तो पेंट कर लें उनमें पौधे लगाएं और गार्डनिंग करें आपके पास पौधे जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और आपका गार्डन भी भर जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने पौधों का भी इस विंटर में दो में याद रखिएगा कीप गार्डनिंग अल्लाह हाफिज़